सभी लोग यहाँ हैं, पर्याप्त सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट के समक्ष, वीडियोग्राफी और कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स के समक्ष फर्स्ट राउंड का काउंटिंग चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ प्रियदर्शन। बिहार में आज 5 MLC सीटों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं और नज़र सबकी गया सीट पे पड़ी हुई है, क्योंकि गया में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दोनों में दो प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जो एकमात्र सीट बचाने की जद्दोजहद कर रही है वह गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह जीत का छक्का मारने के लिए इस बार चुनाव मैदान में उतरे थे। वहीं इस चुनाव में अवधेश नारायण सिंह के मुकाबले राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। तो आज वहां मतगणना का काम शुरू हो चुका है। दोनों ओर से दोनों जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक और जो उनके काउंटिंग एजेंट्स हैं वो मतगणना केंद्र के अंदर पहुँच चुके हैं। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद वहाँ मतगणना का काम भी शुरू हो चुका है। और ये जो आप अपनी जो तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये सब गया शिक्षा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की है, जहां पे मतगणना का काम शुरू होने के बाद दोनों ओर से मतलब जो गणना के काम में जो लगे हुए वहां पे कर्मी हैं वो अलग अलग वरीयता के जो मत हैं उन मतों को छांटने का काम शुरू हुआ है। और दोनों ओर से अभी फिलहाल जो शुरुआती दौर की मतगणना हुई है उसके बाद दोनों दलों के जो समर्थक हैं वहां काफी उत्साहित तरीके से अपने अपने उम्मीदवार के जीत का दावा कर रहे हैं। मतगणना केंद्र के बाहर और मतगणना केंद्र के अंदर दोनों ओर दोनों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, दोनों के समर्थक बड़े स्तर पर जमे हुए हैं। अवधेश नारायण सिंह जो पिछले करीब 30 साल से इस निर्वाचन क्षेत्र से MLC के पद पर बने हुए हैं वह इस बार वहां छठी बार जीत के लिए उतरे हैं। अवधेश नारायण सिंह ने चुनाव खत्म होने के बाद दावा किया था कि एक बार फिर से हुए गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में जीत हासिल करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी यह चुनाव एक प्रकार की बड़ी प्रतिष्ठा है, क्योंकि जिन 5 सीटों पर चुनाव हुए हैं उन 5 सीटों के चुनाव में गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ही एकमात्र सीट है जिस सीट पर राजद ने उम्मीदवार उतारा है। शेष जो 4 सीट है उसमें महागठबंधन की ओर से 3 सीट जदयू के खाते में गई है, जबकि 1 सीट पर CPI को मिला है। तो ऐसे में गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में गया में राजद के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटे पुनीत कुमार की किस्मत दांव पर लगी हुई है। अगर आप याद करें तो जगदानंद सिंह के एक और बेटे सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर बने रहते हैं और अब उन्हीं के भाई पुनीत कुमार यहां पे उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। तो चुनाव के पहले यह भी देखने को मिला था कि इस कारण से जदयू और राजद के कार्यकर्ताओं में जमीनी स्तर पर कुछ तालमेल की कमी देखने को मिली थी। क्या इसका परिणाम आज चुनाव परिणाम पर भी दिखेगा यह बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल अपडेट्स यह है कि यहाँ पे मतगणना का काम जो शुरू हुआ है, मतगणना का काम शुरू हो चुका है। प्रथम वरीयता द्वितीय वरीयता के जो अलग अलग मत हैं उन सबों को छांटने का काम शुरू हुआ है। कुछ देर में ही जो जिलाधिकारी हैं उनकी ओर से यह पूरी बातें बताई जाएगी कि पहले जो राउंड की काउंटिंग हुई है उन राउंड की काउंटिंग्स के बाद कौन उम्मीदवार के पक्ष में कितने कितने वोट आए हैं और इसके बाद पर फाइनल जो चुनाव परिणाम है उसके बारे में बताया जाएगा। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फोर नेशन पे। देखिए, मगध शिक्षक और स्नातक MLC चुनाव के काउंटिंग आज चल रहा है और ऑब्जर्वर्स के समक्ष पारदर्शी तरीके से प्रारंभ हुआ है। सभी लोग यहाँ हैं, पर्याप्त सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट के समक्ष, वीडियोग्राफी और कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स के समक्ष फर्स्ट राउंड का काउंटिंग चल रहा है और जैसे जैसे परिणाम आएगा आप लोगों का अवगत कराएंगे और अच्छे ढंग से पीसफुली